से। चलिए पहले दर्शक फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद भी है, ज्योति है मुंबई से। नमस्कार ज्योति, बहुत बहुत स्वागत है आपका मनी मैटर्स में, पूछिए क्या सवाल है। थैंक यू, नमस्ते, बताइए। मेरा क्वेश्चन है मेरे हस्बैंड के लिए है जी। वो एक हेल्थ कार्ड लेना चाहते हैं, तो कौन सा बेटर होगा अभी के लिए? इनफैक्ट ज्योति, आपने मेल हमारे साथ शेयर की थी, काफी सारे गोल्स आपने सेट किए हुए हैं कि आपको बच्चों की पढ़ाई के लिए और शादी के लिए, इस तरह से आपने प्लानिंग करी है। लेकिन शुरुआत होती है इंश्योरेंस से, आप बता सकती हैं कोई इंश्योरेंस कवर आपने खरीदा हुआ है, कोई टर्म प्लान? नहीं, अभी तक कोई भी इंश्योरेंस कवर नहीं है। ओके, और आपकी एज कितनी है ज्योति? मेरी एज है 28। और आपके हस्बैंड की? 30। चलिए ओके, बाकी मेल पर डिटेल्स आपने भेजी थी उसे ही हम डिस्कस करेंगे। बलवंत साहब, आपने इनका मेल शेयर किया था, हमने आपसे देखा होगा, पोर्टफोलियो अभी बनाया नहीं है, मगर आपसे जानकारी लेकर, आपसे थोड़ी सी एडवाइस लेकर ये आगे बढ़ना चाहती हैं। जैसे कि इन्होंने एज शेयर की, इनकी एज 28, हस्बैंड की 30 ईयर्स है, और जो प्लान इन्होंने आगे जो अपने फ्यूचर का प्लान बताया है कि एक दो सालों में ये अपनी फैमिली प्लान कर रही हैं, उसके अलावा बच्चों की पढ़ाई, एजुकेशन, उनकी शादी और रिटायरमेंट के लिए अलग अलग कॉर्पस ये तैयार करना चाहती हैं। शुरुआत कैसे करें, मतलब पहली बार निवेश कर रही हैं तो जाहिर है थोड़ा सा सोच समझ के इनको पोर्टफोलियो बनाना होगा, आपकी क्या राय है इनके लिए? देखिए पल्लवी, ऐसा है कि कोई भी इन्वेस्टमेंट शुरू करने के पहले मैं आपके सब व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि आपकी जो इनकम है, सालाना इनकम है, उससे 10 से 12 गुना आपको इंश्योरेंस जरूर ले लेना चाहिए, उसके बाद में आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकती है। और जहां तक इन्वेस्टमेंट का सवाल है, जैसे ज्योति जी बता रही है कि ये फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट कर रही है, तो फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट कर रही है तो इनको डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, या इक्विटी जो 100% इक्विटी के फंड उसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। मेरा सुझाव रहेगा कि जो बैलेंस फंड है, जो 70-80% के आसपास इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं और 20-30% डेट में इन्वेस्ट करते हैं, तो उसमें क्या है कि सबसे बढ़िया फीचर वो ऑटोमेटिक बैलेंसिंग डेट और इक्विटी की हो जाती है जी। तो जब इसके लिए जैसे बैलेंस फंड के लिए मैं बताना चाहूंगा कि ICICI प्रोडेंशियल का बैलेंस फंड है, टाटा का बैलेंस फंड है और HDFC का बैलेंस फंड है, जो अपने इन्वेस्टमेंट है वो तीनों में डिवाइड कर सकती है। और एक मेरा और सजेशन रहेगा कि इनका जो गोल है उससे अपना जो इन्वेस्टमेंट उसको मैप करके रखें, जैसे बच्चे की पढ़ाई के लिए आपको इन्वेस्टमेंट कर रही है तो उसे मैप करके रखें, तो वो विड्रॉ करने के पहले आपको विचार में आएगा कि नहीं, मैं अगर ये विड्रॉ कर लिया तो मेरे बच्चे की पढ़ाई रुक जाएगी या उसमें तकलीफ हो जाएगी। बलवंत साहब, जैसे आपने इनको कुछ बैलेंस फंड्स का यहाँ पर ऑप्शन दिया, ICICI प्रूफ बैलेंस और साथ ही टाटा बैलेंस, पिछले 5 साल में इनका रिटर्न अगर देखें, हिस्टोरिक रिटर्न्स की बात करें, 18-20% का इसमें रिटर्न रहा है। ये तो रही म्यूचुअल फंड्स की बात, साथ ही कुछ और भी इन्होंने चीजें मेंशन की थी, जैसे हेल्थ कवर के बारे में भी कुछ जिक्र किया है। इन्होंने आय हालांकि यहाँ पर क्लियर नहीं है, लेकिन इन्होंने जो एक्सपेंसेस कर सकते हैं नियर अबाउट, इन्होंने कहा सरप्लस जो रहती है सारे एक्सपेंसेस हटाने के बाद नियर अबाउट 8,000 रहती है, इस 8,000 रुपए को कैसे ये डिवाइड करें, जैसे इनकी बातों से लगा कोई इंश्योरेंस भी नहीं है और साथ ही कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, इस 8,000 का जो सरप्लस है इनके पास, इसको कैसे डिवाइड करके आगे बढ़े? देखिए पल्लवी जी, जैसे मैंने बताया कि उनको जैसे पहले इनकम है उनका 10 से 12 गुना जो है वो इंश्योरेंस ले लेना चाहिए, और इंश्योरेंस हमेशा आपको प्योर टर्म प्लान खरीदना चाहिए, और आजकल सब कंपनियों के ऑनलाइन टर्म प्लान है, तो जैसे इनके लिए मेरे हिसाब से अवीवा का जो टर्म प्लान है वो खरीद लेना चाहिए, उसके बाद जो पैसा बचता है उनको बैलेंस, चूंकि ये फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर है और उन्होंने ईमेल में लिखा भी है कि इनकी जो रिस्क लेने की कैपेसिटी है वो मॉडरेट है, तो उनको बैलेंस फंड में डालना चाहिए, और उनकी इच्छा भी है वैसे कि उनका कुछ इन्वेस्टमेंट में हो और कुछ डेट में हो, तो बैलेंस फंड का वो फीचर है जिसमें डेट और इक्विटी दोनों इन्वेस्टमेंट हो जाता है। और सबसे बढ़िया बात है कि जो बैलेंस फंड है उसमें टैक्स का बेनिफिट है, क्योंकि 65% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट होता है इक्विटी में, तो इसमें जो 1 साल के बाद अगर कभी भी विड्रॉ करेंगे तो उस पर टैक्स नहीं लगता, परंतु मेरा सुझाव रहेगा कि लॉन्ग टर्म के लिए ही आप इन्वेस्ट करें, और हर 2-4 महीने में आप जो NAV वगैरह वो चेक नहीं करिए, क्योंकि मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, पर लॉन्ग टर्म में आपको है ना वो बढ़िया रिटर्न मिल जाएगा, जैसे आपने बताया 18% 20% का 5 साल का हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है, तो बिल्कुल कुछ बैलेंस